भारत और इंग्लैंड के बीच राजकोट में टेस्ट सीरीज का तीसरा मैच खेला जा रहा है। इस मुकाबले में टीम इंडिया ने ध्रुव जुरेल और सरफराज खान को प्लेइंग 11 में शामिल किया है। ये दोनों ही प्लेयर्स डेब्यू मैच खेल रहे हैं। सरफराज के पिता नौशाद खान उनका डेब्यू मैच देखने राजकोट पहुंचे हैं। सरफराज के करियर में उनके पिता की काफी अहम भूमिका रही है। नौशाद ने ही सरफराज को शुरुआती दिनों में कोचिंग दी थी। अब सरफराज ने उन्हें खास तरह से सम्मान दिया है। दरअसल सरफराज ने अपने पिता के नाम पर ही जर्सी नंबर रखा है। सरफराज के पिता नौशाद खान ने कमेंट्री बॉक्स से बताया कि यह फैसला सरफराज का ही है। उन्होंने जर्सी नंबर 97 रखा है, 9 से 9 और 7 से 7 यानी नौशाद। उन्होंने इस तरह अपने पिता को सम्मान दिया है। सरफराज को डेब्यू टेस्ट की कैप मिलने के बाद उनके पिता इमोशनल हो गए। नौशाद खान ने अपने बेटे को गले लगा लिया और आंसू नहीं रोक पाए। इस दौरान सरफराज की वाइफ भी मौजूद थी। सरफराज के पिता नौशाद मैच शुरू होने के बाद कमेंट्री बॉक्स में पहुंच गए। यहां उन्होंने सरफराज के जर्सी नंबर की स्टोरी शेयर की। इसके साथ साथ उन्होंने कुछ और दिलचस्प बातें भी बताई। सरफराज खान का करियर अब तक शानदार रहा है और उनको टीम इंडिया के टेस्ट टीम में जगह देने की बात काफी लंबे वक्त से चल रही थी और आज वो दिन आ गया जब उनको टीम के प्लेइंग 11 में शामिल किया गया है। उन्होंने 45 फर्स्ट क्लास मैचों में 3,912 रन बनाए हैं और उन्होंने इस दौरान 14 शतक और 11 अर्धशतक लगाए हैं। वहीं इस मुकाबले में सरफराज के साथ राजकोट टेस्ट के लिए ध्रुव जुरेल को भी मौका दिया गया है। अब सरफराज के इस जेस्चर पर आपका क्या मानना है, इसके बारे में अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और स्पोर्ट्स से जुड़ी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल स्पोर्ट्स लाइव एबीपी लाइव को।